أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا بسم الله الرحمن الرحيم اج كاملة لسان جهاد و هروف قلقلا قلقلا لتر صبحي قلقلا كاتها يعني بوس كارنا vibration yard double हरूफ़ कलकला के जो लेटर है वो पाँच हरूफ़ हैं ठीक है यानी कलकला के जो हरूफ हैं वो फाइव हैं अगर ये हरूफ साकिन होंगे ठीक है तो हम लोग कलकला करेंगे साकिन का मतलब है यानी जिस हर्फ के ऊपर जो है ना जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क़ाफ़ है तो अगर ज़ज़म जो है उसके ऊपर आएगा अरबिक में उसको सुकून कहते हैं जज़्म को ठीक है और जिस हर्फ के ऊपर जो है सुकून आता है जज़म आता है तो उस हर्फ को साकिन कहते हैं ठीक तो है तो हरूफ ये जो कलकला जो लेटर है ठीक है अगर ये साकिन होंगे इनके ऊपर जज़म आएगा तो हम लोग इसके ऊपर कलकला करेंगे अगर ये मुतहरक होंगे मुतहरक मतलब यानी उस हरूफ के ऊपर अगर ज़बर जेर या पेश होगा तो उसको मतहर्रक कहते हैं ठीक है अगर ये हरूफ मुतहर्रक होंगे यानी हरकत होंगे उसके ऊपर तो हम लोग कलकला नहीं करेंगे ठीक है अगर ये साकिन होंगे यानी इनके ऊपर जज़म होगा ये पांच शरूफ़ के ऊपर तो हम लोग जो है इसके ऊपर कलकला करेंगे ठीक है तो पहला है पौफ, पौफ साकिन, तो साकिन, बा साकिन, जीम साकिन और दाल साकिन, ठीक है यानी अगर ये हरूफ के ऊपर ऐसे जज़म होगा तो हम लोग कलकला करेंगे ये हरूफ़ पांच हरूफ़ जो है कौफ ब जीम दाल ये आपको याद करने हैं ठीक है थीके? इसका मजमु जो है कुतुब जद है ठीक है अगर आप ये हरूफ़ अलग अलग याद नहीं कर सकते तो आप क़ुतुब जद याद रखें तो आपको याद होगा कौफ तवा क़ुतुब, जीम दाल जद कुतुब जद ठीक है इसको पढ़ते कैसे हैं जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमजा ज़बर कौफ अस को हम लोग अक नहीं पढ़ेंगे अ ठीक है همزه زیر قاف اق 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 همزه پیش قاف اوق اوق اق اق اوق همزه زبر طاء ط ط همزه زیر طاء اط همزه پیش طاء اط 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 همزه زبر با اب हमज़ा जेर बा इब हमजा पेश बा उब अब इब उब अगर हम लोग इसके ऊपर कल नहीं करेंगे तो देखिए फिर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं हमजा ज़बर बा अब हमज़ा ज़ेर इब हमज़ा पेश बा उब अब इब उब तो ये कल नहीं हुआ ठीक है यानी बा के मखरज पे हमजा ज़बर बा अब तो देखिए आपके होंठ बंद हो जाते हैं अब कल कल जब आप करेंगे तो अब आपके होंड बंद हो के वापस खुलेंगे अब अब ऐसे ही अक 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 यानी उस मखरज पे आपका जो है बंद हो के फिर वापस आपको जो है ना वो होगा खुलेगा जैसे अब इब उब ऐसे ही हमज़ा ज़बर जीम अज अजन, अज अज नहीं हमज़ा जे जीम इज همزة بيش جيم أج أج إج أج همزة زبر دال أد أدني أد همزة زير دال إد أد إد همزة بيش دال أد أد إد أد अगर ये हरूफ़ जो है पाँच रूफ़ कतुब जद काफ तो बा जीम दाल अगर ये मतहरक होंगे तो कलकला नहीं होगा ठीक है सिर्फ़ साकिन की सूरत में जब इसके ऊपर ज़ज़म होगा तो हम लोग कलकला करेंगे ठीक है तो आपको ये हरूफ कतुब जद ये पाँच हरूफ़ आपको याद करना है ठीक है और इसकी प्रैक्टिस करनी है अत ठीक है ऐसे ही अब इब ब अज इज उज अद इद उद ठीक है तो इसकी प्रैक्टिस करनी है और जब भी आप क़ुरान पढ़ेंगे ठीक है और ये हरूफ सा आएंगे नएंगे तो आपको इनको ऐसे ही पढ़ना है ठीक है इसके ऊपर कलकला करना है जजाकल्लु कर ख़ैरन कसीरा सुबह नम्ह व इलाहा इला अशहद वंत अस्तगफिरुका व अतूब व अम व वर्क ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم